हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अक्षय श्रुति को एक एहसास कराते हैं अपने प्यार का, उनके पास होने का एहसास, और श्रुति को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उन्हें एक अलग ही ताकत मिलती है इस दूरी को बर्दाश्त करने की, और वो अक्ष को गले लगाती हैं। दोनों वैसे ही काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे में गुम रहते हैं। तभी उनका डोर नॉक होता है तो अक्ष कहते हैं, हाय, किसी को चैन नहीं है सही में कि कोई इस कपल को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। हाँ, कि चैन से 2 मिनट हम बात कर सकें, चैन से एक दूसरे के साथ रह सके। ना 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 ना, अगर ऐसा हो गया तो उनके अरमानों पे पानी फिर जाएगा ना, उन लोगों का खाना ही हजम नहीं होगा। क्या किया जाए? श्रुति हंसती और कहती है, आप ना, कसम से क्या कहूँ आपको, जाइए फ्रेश हो के आइए, मैं खाना रेडी करती हूँ। वैसे भी धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और वक्त कितनी जल्दी फिसल जाता है हाथ से पता भी नहीं चलता, खासकर जब कोई दूर जा रहा होता है ना, तो वक्त ऐसे कटता है जैसे घोड़े की रफ्तार से, और जब लौटने का टाइम होता है तब ये वक्त कटना मुश्किल हो जाता है। तो अक्ष कहता है, ओफो जान, कुछ टाइम की बात है, लौट आएंगे जल्दी। श्रुति कहती है, पता है, कुछ टाइम की बात है, बस 2 ही दिन की तो बात है, आज आप जाओगे, कल आप रहोगे, परसों आप चले आओगे, है ना। सही है। तो अक्ष चुप हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। श्रुति कहती है, अच्छा टेंशन मत लीजिए, और ये कह के उनके फॉरहेड पे किस करती है, कहती है, जाइए फ्रेश हो के आइए, कपड़े मैं निकाल दे रही हूँ, बाकी का बैग पैक भी कर दूंगी, बट आप फ्रेश हो के आइए पहले, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है। और अक्ष जाते हैं फ्रेश होने के लिए, श्रुति जाके डोर ओपन करते हैं तो सामने मॉम होते हैं। मॉम कहते हैं, आज बहुत लेट हो गया यार उठने में, क्या हो गया, रात को लेट सोए थे क्या? तो श्रुति कहते हैं, हाँ मॉम लेट हो गया, अब नहीं होगा, कल से टाइम से उठेंगे। कहती है, उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या, वो वैसे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और आज उसे ऑफिस ही नहीं जाना है ऐसा लग रहा है, कहाँ है वो? तो कहते हैं कि पता नहीं मॉम, एक्चुअली जो है ना, उन्हें ऑफिस जाना है, बट वो ना, तो उनकी मॉम श्रुति की आंखों की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें भरी हुई होती हैं, तो
अक्ष की मॉम उनको तुरंत गले से लगाती है और कहती है, पागल हो गई, रो क्यों रही हो, क्या बात है? रो क्यों रही? कहा है अक्ष ने, कुछ किया उसने, कोई बदतमीजी की? कह रही नहीं मॉम, उन्होंने कुछ नहीं किया। कहती फिर क्या हो गया बताओ। कहती वो एक महीने के लिए यूएस से जा रहे हैं। कहते हैं क्या? कि हाँ, ऑफिस के काम से। तो उनकी मॉम की भी आंखें भर जाती हैं कि कब पता चला कि रात को। इसलिए तुम इतना परेशान हुआ? इतना मत परेशान हो, जाएगी तो आएगी भी तो। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, सब सही होगा, ठीक है? कहते जी मॉम, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो उनकी मॉम कहती हैं, खाना मैं देख लूँगी, ठीक है, मैं बना दूँगी। तुम सामान पैक हो गया कि नहीं? कि तुम उसका सामान पैक कर दो और थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड करो, ठीक है, खाना मैं बना देंगे। कहते मॉम बट आप क्यों परेशान? कहती मैं परेशान नहीं हो रही, बेवेदर ये वक्त तुम लोगों का है, ठीक है। और ये कह के उनकी मॉम वहां से चली जाती हैं। तो ठीक है, श्रुति उनका बैग पैक करने लगती है, सारा सामान एक एक जगह तरीके से रखती है, उनकी मेडिसिंस वगैरह निकाल के बाहर रखती है। अक्ष भी तभी आ जाते हैं फ्रेश होके और कपड़े पहनते हैं और श्रुति के पास आते हैं। श्रुति से कहते हैं कि तुम नीचे नहीं गई? तो कहती नहीं, आपका सामान पैक कर रही थी, मॉम आई थी तो उनको बताया है। कहीं बता दिया मॉम को कि हाँ? कहते ठीक है। वो फिर अक्ष का हाथ पकड़ती है और बेड पे लेके आती है, बैठाती है वहाँ पर, कहती है कि ये मेडिसिंस अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। तो अक्ष कहते हैं ओफो, एक काम करो ना, तुम भी चलो ना मेरे साथ। कहती है नहीं, यहाँ मम्मी को कौन देखेगा फिर? कहती है अरे यार वो है ना, देख लेगा भाई। तो कहते हैं नहीं भाई, क्या देख लेगा, खाना पीना कौन करेगा? कहते हैं मम्मी कर लेंगी, मम्मी मेरे को इतनी बुढ़ी थोड़ी ना हुई है, मम्मी कर लेंगी। कहते हैं नहीं, पता है आपको मम्मी के पैरों में कितना दर्द रहता है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, ऊपर नीचे नहीं हुआ जाता उनसे ज़्यादा, और अभी अभी उनका ट्रीटमेंट हुआ था, अभी नहीं जा सकते, नेक्स्ट टाइम फिर कभी। दीदी भी आज चली जाएंगी शाम तक, तो कौन रहेगा उनके साथ, अकेली हो जाएंगी। फिर पापा का भी सारा काम रहता है, समझा करो आप जाओ, ठीक है। तो अक्षति का फेस पकड़ते हैं, उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी अपना बना लिया है। हाँ, कहती है जी नहीं, आपसे पहले आपके परिवार को अपना बनाया है, आप तो बहुत बाद में मुझे मिले हो। तो अक्ष को बड़ी खुशी होती है कि ऐसा लाइफ पार्टनर उनको मिला है जो हर हाल में उसको समझता है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है इस बात की। कह श्रुति उन्हें सारी मेडिसिन समझाती हैं, अलग अलग मेडिसिन करके
हर मेडिसिन्स पे रैपर लगा के कौन सी कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब उस पर लिखती हैं, जिससे एक्स को ज़्यादा परेशानी ना हो मेडिसिन्स लेने में। और इसी तरह ये वक्त गुजरने लगता है और देखते ही देखते अक्ष के जाने का टाइम आ जाता है। अक्ष रेडी हो जाता है, उनका सामान भी नीचे पहुंच जाता है और श्रुति के दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। उनका भाई, मॉम, सब लोग ऊपर रूम में आते हैं और अक्षय बोलते हैं हम लोग एयरपोर्ट चलेंगे। कहते हैं पहले मेरे को ऑफिस जाना है, एयरपोर्ट कहाँ जाओगे आप लोग? तो कहते हैं कि नहीं हम एयरपोर्ट चलेंगे तो चलेंगे। कहते हैं मॉम मुझे डायरेक्ट नहीं जाना है, मुझे ऑफिस होके जाना है, बात को समझा करो आप। तो कहती हैं नहीं समझना, हम ऑफिस के नीचे वेट करेंगे, मुझे भी पता है वो 10-15 मिनट में तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे, तो 15-20 मिनट हम भी वेट कर सकते हैं नीचे, तो हम लोग एयरपोर्ट चल रहे हैं। तो अक्ष कहते हैं मॉम, कहते नहीं श्रुति भी चल रही है। श्रुति कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो वो अक्ष एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और श्रुति की तरफ देखते हैं। श्रुति अपनी नज़रें झुका लेती हैं क्योंकि उनकी आंखें फिर से भरी हुई होती हैं, खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका होता है। तो अब घड़ी जुदा होने की आ जाती है। तो उनकी मॉम दोनों की तरफ देखते हैं और हर्ष की तरफ इशारा करते हैं और अक्ष से कहते हैं कि नीचे वेट कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी। ये कह के वो लोग रूम से जाते हैं। तो हर्ष जाते हुए रूम का डोर लॉक कर देता है, मतलब ऐसे ही लगा देता है डोर को, और दोनों को रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। अक्ष आगे बढ़ते हैं तो श्रुति पीछे हो जाती है और कहते हैं नहीं जाइए प्लीज। अक्ष कहते हैं लास्ट हो प्लीज। इस तरह भेजोगी मन भी नहीं लगेगा। श्रुति कहती क्या करूं, बताइए ना क्या करूं। और एक सॉन्ग चलता है कि मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। और ये कहते कहते श्रुति बहुत तेज रो पड़ती है। आगे की लाइन अक्ष पूरी करते हैं कि पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार साथिया, रंग लाएगा इंतजार। श्रुति को उस समय कोई भी वर्ड काम नहीं कर पा रहे होते और वो बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं। अक्ष की भी आंखें भर आती हैं और तुरंत वो अपनी आंखों को साफ करते हैं जिससे श्रुति उन्हें देख के और ना रोए। श्रुति को वो अपने गले से लगाते हैं बहुत जोर से, बहुत टाइटली। अक्ष की पूरी शर्ट श्रुति के आंसुओं से भीग जाती है। वो श्रुति को बहुत देर तक चुप कराने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन श्रुति नहीं शांत हो रही होती। कहती है मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, हर पल हर शय में बसे हो, जिधर देखूंगी बस आप नजर आओगे, नजर आते हुए भी आप मेरे पास नहीं आओगे, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना, प्लीज वहां जाके मुझे भूल ना जाना, मुझसे दूर ना हो जाना।
उसके बिना अब एक सांस भी नहीं ले सकती। दिल पे पत्थर रख के भेज रही हूँ आपको। प्लीज, जिस तरह से मेरा प्यार आप लेके जा रहे हो ना, मेरा हम सफर लेके जा रहे हो, मुझे वैसे ही आके लौटा देना। इसमें कुछ चेंजेस मत करना। बहुत मुद्दत, बहुत दुआओं के बाद मैंने आपको पाया है। आप खोने से डर लगता है, बहुत डर लगता है। प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे मैं जीते जी मर जाऊं। समझ रहे हैं ना आप? मुझे पता है आपको भी उतनी तकलीफ हो रही होगी, उतनी बेचैनी हो रही होगी, बस आप दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे जा रहे हो वैसे ही लौट के आना, वैसे ही लौट के आना। हर दुआ में आपको मांगा है, तब जाके आपको पाया है। आप खोने से डर लगता है। अक्ष कहते हैं पागल हो क्या? हाँ, इतनी मुश्किल से तुम मिली हो, इतना स्ट्रगल के बाद अपने प्यार को एक्सेप्ट किया है मैंने। ये थोड़ी सी जुदाई हमारे बीच में दरार थोड़ी ना लाएगी। ऐसा सोचना भी मत। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तुम मांग लो मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। समझ में आया? आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। क्या बोलते हो तुम? पति ना, ये तुम्हारा पति जैसे जा रहा है ना, वैसे ही लौट के आएगा और तुम्हें ऐसा ही मिलेगा जैसे तुम भेज रही हो, इतनी ही मोहब्बत के साथ। अब ये रोना बंद करो यार, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है और तुम मुझे रो के भेजोगी। हाँ, श्रुति कहते हैं ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है, और मुझे ज्यादा याद मत कीजिएगा। जितना आप याद करोगे उतने मुझे याद आएगी, फिर मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। चाहिए वो आप, और याद मत करना ज्यादा। थक्ष कहते हैं ये चेहरा ये मुस्कान आँखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आँखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है तुझसे मिलने को, मैं तरसूं, मुझे हक है। श्रुति और रोती है। अक्ष कहते दत्त तेरी की, मैं तुम्हें शांत कराने की कोशिश कर रही हूँ और तुम रोए जा रही हो। यार शांत हो जाओ प्लीज। हाँ प्लीज शांत हो जाओ। श्रुति कहते हाँ मैं शांत हो जाइए आप, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, चाहिए बाप प्लीज। तो अक्षुन के होठों पे किस करते हैं छोटी सी, उनके फॉरहेड पे किस करते हैं और उन्हें एक बार फिर से टाइटली हग करते हैं, और उसके बाद पीछे होते हैं। तभी हर्ष फोन करता है कि दीदी लेट हो जाएंगे,
कहते हैं कि हाँ आ रही हूँ। श्रुति और तड़प उठती है, अक्ष जाने लगते हैं। श्रुति उनकी शर्ट पकड़ लेती है जोर से, उसका मन ही नहीं कर रहा होता कि वो छोड़ दे। बहुत टाइटली उनकी शर्ट पकड़ती है, अक्ष पूरी कोशिश करते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन इस बार अक्ष का भी हाथ कमजोर बढ़ रहा होता है। वो किस मुश्किल से अपनी शर्ट छुड़ाते हैं और जाने लगते हैं, तो श्रुति फिर से उनका कॉलर पकड़ लेती और कहती है, मत चाहिए ना प्लीज, नहीं रहा फिर नहीं रहा जाएगा, किसी और को भेज दीजिए प्लीज। अक्ष उनसे अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करते और कहते हैं, प्लीज श्रुति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्लीज। तो श्रुति आगे बढ़ती है और उनकी शर्ट के बटन खोलते हैं। अक्ष कहते हैं, क्या कर रही हो श्रुति प्लीज। और उनके हार्ट के पास एक छोटी सी किस करती हैं, बहुत प्यारी और बहुत केयरिंग वाली, और उनके शर्ट के बटन बंद करती हैं। वहाँ पे उनके वो होठ पे वो की जो सुर्खियाँ थी अपना निशान छोड़ देती है, और वैसे ही उनकी शर्ट वो बंद कर देती हैं। कहती है, जाइए जाइए और जल्दी आइएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। अक्ष उनसे अपना शर्ट छुड़वाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। श्रुति उनका हाथ पकड़ती है, धीरे धीरे वो हाथ एक दूसरे के हाथों में से छूटने लगते हैं। श्रुति का हाल बेहाल हो जाता है और अक्ष भी चाहकर कुछ नहीं कर पाते। वो वहां से बिना पीछे मुड़े चले जाते हैं बाहर, बहुत तेज कदमों के साथ। उनके आंखों में भी जो आंसू थे उन्हें पोंछते हुए वहां से निकल जाते हैं। श्रुति दौड़ते हुए अपनी बालकनी में आती हैं, वहां से अक्ष को देख रही होती हैं। अक्ष तुरंत अपने बैग गाड़ी में डालते हैं और एक बार बस तिरछी निगाहों से श्रुति की तरफ बालकनी में देखते हैं। श्रुति तुरंत पीछे छुप जाती है और अक्ष गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं। श्रुति के लिए वो दिन बहुत भारी था, वो शाम बहुत भारी थी। इधर वो ऑफिस का काम खत्म करके वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वहां पे उनके मॉम उनके भाई उनको छोड़ के और आने लगते हैं। तो अक्ष बोलते हैं, मम्मी श्रुति का ख्याल रखिएगा, हर्ष उसको हंसाते रहना, वो बहुत परेशान थे। वक्त का ही हंसी से तो मैं क्या कर सकते हैं। उनकी मॉम आगे बढ़ती है, उनके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, ये दूरियां प्यार को और मजबूत कर देंगी, ठीक है, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा, और हम है ना उसका ख्याल रखने के लिए, और कोशिश करूंगी कि बीच में भेज दूं मैं उसे तुम्हारे पास। कहती है, वो नहीं आएगी। कहती है, ठीक है अभी जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। और इस तरह वो वहां से चले जाते हैं। चलिए फिर, तो देखते हैं अब कल इनके ये एक महीने कैसे गुजरेंगे, ये तो कल पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।